Hello guys, welcome back on my YouTube channel Vaishnavi Combine and here I am Vaishnavi Zoria. So guys, आप में से बहुत लोग कमेंट करते हो कि Carryminati के वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो एंड हैव आई लुक. कितने लोग रिएक्ट करने को बोलते हैं और उनके कमेंट्स को मैंने लाइक पे हार्ट भी दिया है. सो अगर आपका कमेंट मिस हो गया है देन अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि आपका कमेंट भी लाइक और हार्ट मिले मेरा मेरे चैनल का. सो बहुत कानपुर में ठंडी हो रही है इसलिए मैंने ये वीडियो करके रखा है. वैसे जुकाम मुझे हो ही रखा है. ये मेरा डेमो था तो जाके मैंने ये कुछ पहना है. सो गाइज, अगर आपके शहर में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंडी तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे पैक होके रहो ताकि जुकाम से बच सको. मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़की हूँ. जब सर्दी हो जाती है तब ये सब पहनना स्टार्ट करते हैं. एनी वे गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद आते हैं देन हिट लाइक बटन. यार लाइक तो यार बनता है, क्या बोलते हैं मैं ये होता. और हाँ, अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद आते हैं, आप चाहते हो कि ऐसे मैं Carryminati की और वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बनाती रहूँ बेझिझक, देन हिट सब्सक्राइब बटन ताकि आप मेरे वीडियोज मिस ना करो. और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो वैसे वीडियो का टाइटल क्या है? लड़का लड़की और वो. इंटरेस्टिंग. देखे, लेट्स गो स्टार्ट. कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, प्यार, धोखा, बकचोदी, ज्यादातर बकचोदी. लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो है एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल. किसके बीच? एक लौंडा, एक लौंडिया और ई बॉम्बे. आजकल के सीरियल अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं. पहले सही होता था यार, एक बड़ा सा घर होता था जिसके अंदर परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है. भांजों के भी भांजे रह रहे हैं, मौसियों की भी मौसियां रह रही हैं और अनगिनत पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, उनसे बड़े वाले पापा, सबसे बड़े वाले पापा, उनके भी पापा, जिनसे सबकी गांठ फटती है. खैर, पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था. लेकिन अब इस नए दौर में बहू छिपकली का रूप लेके सास की गर्दन पे चिपकी कुछ भरोसा नहीं है. खैर, आज हम कुछ ऐसे ही जिंदगी पे सवाल उठाने वाले सीन देखने वाले हैं. तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. कॉन्टेक्स्ट. थपकी और उसका परिवार रोजाना की बकचोदी से दूर चिड़ियाघर में आए हैं प्रोटेस्ट करने. लेकिन फिर अचानक थपकी आ जाती है. एक मिनट भाभी, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए आप लोग. बट नो वन केयर्स. आ रहा हूँ बहनचोद, गाने कुछ इंसान के. फिर पुलिस आ जाती है और सब गान फटी में भाग जाते हैं. लेकिन चांडाल चाची अभी भी वही हैं. अब आगे. जब से बिहान ने उस बुढ़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूँ. अब देखना, मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी. इसकी मोटर कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है. जब मैं गोरिल्ला को देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं भैया, दूर रहो, कान फाड़ सकता है. लेकिन जब ये गोरिल्ला को देखती है इसे दिखती है अपॉर्चुनिटी, मौका, मौका बदला लेने का. किस बात का बदला? किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता. यार ये ताला, अपने हाथ में ताला लेके पत्थर मार रही है. ओ चौथी फेल मैडम, ये कैसा सनसनी चूतिया पाए. नहीं, ऐसे टूटते ताले. हाँ यार ये तो बात है, लेकिन तोड़ दिया बहन चोद, शाबाश. ये कौन सा चिड़िया घर है? दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा. मतलब जानवर जा रहा है तो जाए, मां चुदा है. हम यहाँ बैठ के खाएंगे, हिलाएंगे और सो जाएंगे. वेरी गुड. बस अब थपकी को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना है. हमें तो पता नहीं था आप जानवरों से बात कर सकती हो. अरे मेरे साथ चलो, एक हिरण को अपनी स्टेटमेंट लिखवानी है. ये औरत बदला ले रही है या प्रैंक कर रही है? जो भी कर रही है मान नहीं रही है. गोरिल्ला के लिए फोन छोड़ दिया जिसपे घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर रखी है. उसको फॉलो करके गोरिल्ला इनके घर आ जाता है. कमाल है महन, जो ऐसा चलाक गोरिल्ला इतने चूतिए से पार्क में कर क्या रहा था? रुक गोरिल्ला, उसने तुझे फोन दिया है ना, मैं तुझे ईयरफोन्स और स्पीकर्स दूंगा. ओए इधर आ. ये है मीवी के थंडर बीट ईयरफोन्स और मूनस्टोन स्पीकर्स. दोनों की ही साउंड क्वालिटी एक नंबर है. गिटार से लेके हारमोनियम सब बढ़िया बजता है. बैटरी लाइफ भी ज्यादा है. इन्हें तुम जंगलों में लेके जाओ, पहाड़ों पे लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर बेस इतना जबरदस्त, पूरी रात कूदता फांदता रहेगा. और एक बात मैं तुम सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मीवी अकेली ऐसी कंपनी है जो इस प्राइस पे इंटरनेशनल क्वालिटी देती है. चल तेरा हो गया काम, गो बर्तन मांजो. डेली सूप डाला है क्या यार कैरी ने?
अबे तकिया फेंका है, कितना खतरनाक गोरिल्ला है, तोहफे फेंक रहा है, तकिए फेंक रहा है, बिस्तर खराब कर दिया। इतना रियलिस्टिक आतंक दिखाते कैसे हैं ये लोग। वैसे तो गोरिल्ला छाती पीट दे इंसान की, लेकिन यहाँ तो कैचुम कैच चल रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? ओ, लग गई। किसने कही थी विराट कोहली बनने को, जबरदस्ती कैच पकड़ रही है। ये सही है, पहले खेलो और फिर जब लग जाए तो। इसका मतलब ये मुझे चोट नहीं पहुंचाना था। इसका मतलब तुझे पालतू रखना चाहता है वो, खुद से मतलब मत निकाल, गोरिल्ला है, फाड़ के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। खैर इतनी देर में दोनों छोटी बड़ी भाभी गोरिल्ला को देख लेती है और उसके कान फाड़ देती है। फिर पूरा खानदान आ जाता है और गोरिल्ला को भगाने की नाकाम कोशिश करता है। भाभी जी वो गोरिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला नहीं। वो भी बेचारा सोच रहा होगा मेरे कोई औकात ही नहीं छोड़ी, बहन चो कुत्ता बना दिया। लेकिन इस घर में सबसे चलाक है थपकी। वो अपने फोन में गोरिल्ला को खोल के कुछ ऐसा दे देती है जिसे देख के गोरिल्ला चौंधिया जाता है। दिल वाले पूछ देने चा, ओ, 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 हद हो गई यार। अगला एपिसोड थपकी और उसका परिवार गोरिल्ला को चकमा देके भाग रहे होते हैं। अचानक वो उनके सामने आ जाता है। फिर गोरिल्ला थपकी के पति को थपकी देके उसकी थपकी को बंदी बना लेता है और साइड में एस्थेटिक्स के लिए गैस भी लीक कर रही होती है। अब आगे बयान, ये क्या कर रहा है, गन नीचे कर। बयान, चिड़ियाघर से लोग आ गए हैं, बेहोश करने का इंजेक्शन है इनके पास, उसके लगते हैं ये गोरिल्ला बेहोश हो जाएगा। ये हार्पिक की ड्रेस में चार चूते गोरिल्ला बेहोश करेंगे, अच्छी लंड ने मेरा। प्लास्टिक की बंदूक से बैक्टीरिया मारने आए हैं। ऐसा चंट चूतिया मैंचर पति देखा तुमने कभी? इससे पूछो अगर माँ बाप को रिश्ते के लिए मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? सॉफ्टी मार बाबूजी को, सॉफ्टी खिलाएंगे। बेटा दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तुम सॉफ्टी खाते रह जाओगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सारे घर वालों के रिएक्शन एक ही बारी में नाप दिए और भाभी जी के तो 50 रुपए काटो। क्या सीन है, अलग ही पैशन है इनका। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज पे यही रिएक्शन होता है। कल मैं चाय बना रहा था और दूध फट गया। तो मैं बना सकता हूं। 1 2 का 4, 4 2 का 1। My name is वैष्णवी लौरिया। अच्छा अब घर की सबसे चलाक सदस्य थपकी एक प्लान बनाती है। आप अपनी बंदूक नीचे रख दीजिए। इतनी उम्मीदें थी गोरिल्ला से, भैंचो नकलची बंदर बना दिया। अभी डमरू बजा नाच के और दिखाएगा। अब चलो यार बस क्लाइमेक्स की तरफ चलो, और नहीं झेला जा रहा है। थपकी की चतुराई। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साले इन शो बनाने वालों को कोई गोली खिलाओ, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे, कोई सीमा ही नहीं है। और ये साला गोरिल्ला है कौन? मैं पिछले 10 साल से फिजिकल थिएटर में हूँ और क्लाउन थिएटर में हूँ, और उसी की वजह से मैं आज ये सब बहुत ही बहुत इजीली कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। अबे साले माफ करना, मैं जो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ये शो चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1.7 1.7 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर नहीं हुए ना तो गान में गोली मार दूंगा। और मीवी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। मेरा पर्सनल फेवरेट है मूनस्टोन, क्योंकि उसे कहीं पर भी ले जाओ कोई सीन ही नहीं होता है, बैग में टांग लो पीछे और चल दो, कोई टेंशन ही नहीं है।
अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। खैर मेरी तरफ से सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद, नया साल आएगा नई बकचोदी लाएगा। बाय। मोहित कोयले लगाते हाथ सेकने। सो गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ये कैरीमिनाटी का बहुत ही डाउन वाला वीडियो लगा है, क्योंकि यार डेली सोप पे यार रोस्टिंग करना जस्ता तो है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि इन्होंने जो नाटक उठाया है वो ट्रेंडिंग नहीं। मैंने तो बोला भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ते हैं प्यार के, मुझे अच्छे लगते हैं। और थपकी प्यार के जो भी था नाटक वो मैंने देखा था, बट इतना अच्छा नहीं। और ये वाला तो एपिसोड बिल्कुल रद्दी था यार। सच में कोई सेंस बनता है क्या कि मतलब एक चिंपांजी से यार तुम प्यार करवा रहे हो, ये करवा रहे हो इमोशंस, ये गन उसके दे दी, मतलब कोई सेंस बनता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बातों से यार कितने लोग एग्री करते हो, क्या ये कैरीमिनाटी का वीडियो अच्छा था? और अगर अगर ये वीडियो इनका अच्छा था तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, अगर आपको मेरी इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन अच्छा लगा देन इट लाइक बटन, मेक श्योर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। अगर आप कैरीमिनाटी के और वीडियोस के ऊपर रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हो, वैसे मुझे कैरीमिनाटी के वीडियोस बहुत पसंद हैं। मैं उनकी वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं वो वीडियो अच्छे नहीं बनाते, बट मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक देखा है कि वो डेली सोप के ऊपर रोस्ट कर रहे हैं। एंड डेली सोप यार ये वाला कंटेंट मुझे सच में नहीं पसंद आया, और मे बी उनको भी नहीं पसंद आया। उनको कैसे पसंद आया नहीं आया मुझे कैसे पता होगा। एनीवे मुझे नहीं पसंद आया, मैं अपना बता रही हूँ। सो अगर कोई बोले ना कि वैष्णवी या खुद को, प्लीज़ यार ये कोई वैसी बात नहीं है कि नहीं मुझे जो लग रहा है मैंने वो बोला है, मैं किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छीन रही हूँ। मेरा राइट है, मैं बोल सकती हूँ, मेरा चैनल है मैं बोल सकती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगा, और मैं एक व्यूअर हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर कैरीमिनाटी के अगर आप भी व्यूअर हो तो आपके पास भी ये हक है। अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस देखते हो, बहुत लोग बोलते हैं वैष्णवी आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, देन मैं उनकी बात को सुनती हूँ, लाइक कभी कभी तो लाइक भी कर देती हूँ कि चलो ठीक है इनको पसंद नहीं आया ठीक है, लेकिन मैंने तो बनाया ना। तो कैरीमिनाटी का वैसे तो है गुड है, लेकिन मेरे हिसाब से ना इन्होंने डेली सोप की जगह कोई और अच्छा या डेली सोप उठा लेते या कुछ और मे बी बेस्ट रहता ऐसा मुझे लगता है। फीकापन था, मैं बहुत बोर हो रही थी। आपने अगर देखा हो मेरे रिएक्शन, मेरे रिएक्शन पे जेन्युइन रिएक्शंस होते हैं। सो जो भी होता है मैं बस फेस पे एक्सप्रेस हो जाता है, जो भी मैं फील करती हूँ, जो भी मुझे लगता है। सो जैसे मैंने देखा ना डेली सोप थपकी प्यार की, मैं समझ गई इसमें कोई भी स्टोरी अच्छी नहीं है, कोई भी रोस्टिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि चैनल ही रद्दी था यार, कोई अच्छा नहीं थपकी प्यार की। एनीवे मेरा भाई बहुत रोस्ट करता है, कहता है ये कैसे नाटक बनाते रहते हैं यार ये लोग कलर्स वाले, क्योंकि कलर्स पे ये आया था और कलर्स में नागिन में नागिन देखते तो लोग इतना बोलते हैं यार, सच बता रही हूँ कि यार क्या नाटक है, कुछ भी होता है कुछ भी कर देते हैं। और जैसे कि कैरीमिनाटी ने बोला ना कुछ बचा नहीं है इन लोगों के पास और हम लोगों के पास भी, सो हम लोग एक दूसरे को बस धक्का गाड़ी में धक्का लगाए पड़े हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड मेरा रिएक्शन अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं देन जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आप लोगों का प्लान क्या है न्यू ईयर का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ यार आप लोग क्या कर रहे हो न्यू ईयर पे। और मेरा तो मैंने कुछ सोचा है लेकिन पता नहीं वर्क होगा या नहीं, क्योंकि प्लानिंग मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है मैं कुछ प्लान करती हूँ ना तो वो होता नहीं है। अगर मैं आज का प्लान करूँ तो मे भी हो जाए, लेकिन अगर मैं न्यू ईयर का प्लान आज तो 29 है और 1 का प्लान कर रही हूँ, मे भी पॉसिबल है नहीं है मुझे नहीं लगता, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आपका अगर है कंफर्म देन टेल मी यार क्या है आप लोगों का। ऐसे ही हम आप लोग से बात करके कमेंट सेक्शन में जान लेंगे। मुझे हो रखा है कोल्ड, सो मैं बोलूँगी आप लोग प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी सर्दी नहीं लगनी चाहिए, पहन ओढ़ के अच्छे से रखो। और अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी लोग ये वीडियो देखें एंजॉय करें। एंड अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव यू, सी यू।